उधर जो मैं आपको पहले बता रहा था कि महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस, ठाणे पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस दिया है। धारा 149 के तहत पुलिस ने नोटिस दिया, किसी साधु संत पर विवादित बयान ना दें। दरअसल संत तुकाराम को लेकर जो उन्होंने कह दिया था, उसके बाद लगता है कि इस बार प्रशासन वहां सजग है। इस पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर, हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, क्या जानकारी है? देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुंबई से सटे ठाणे के अंबरनाथ में 5-7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हैं। 3 दिवसीय उनका जो है वो दरबार यहां पे लगेगा। उससे पहले जो विवादित बयान बागेश्वर शास्त्री देते रहे, धीरेन्द्र शास्त्री देते रहे, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उनको जो है IPC सेक्शन 149 के तहत जो है वो FIR की कॉपी, शिकायत की कॉपी दी है। और यह कहा है कि आप जो है किसी भी तरीके का विवादित बयान नहीं दे सकते। आपको बता दें कि लगातार जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो लगातार जो है साधु संतों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने संत तुकाराम को लेकर विवादित बयान दिया था। उसके बाद कुछ ही महीने बीते थे तो उन्होंने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। तो इसी तरीके से जो है वो अपने हर एक दौरे पर जो है विवादित बयान देते रहते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने, अमरनाथ पुलिस ने उनको जो है IPC 149 के तहत नोटिस समाया है और यह कहा है कि आप अगर किसी भी तरीके का विवादित बयान देते हैं जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो आप पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं अपने मेहमानों से जानना चाहूंगा कि बाबा धर्म और राजनीति का क्या घालमेल करते हैं और आखिर राजनीति में धर्म का क्या काम? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।